YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? भाई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। बुलबुल हेलो कर दो। और बुलबुल की आज से छुट्टियां शुरू हो गई। वैसे आज तो संडे है, कल से हो गई है इसकी विंटर वेकेशन स्टार्ट। और साथ ही मिला इसको बहुत सारा ढेर सारा होमवर्क। अब बुलबुल बैठ गई है होमवर्क करने, क्योंकि इसको खेलने के लिए बाहर तभी जाने दूंगी मैं जब अपना ये थोड़ा थोड़ा होमवर्क रोज़ करेगी। क्योंकि भाई ये बहुत सारा होमवर्क मिला है, अगर नहीं करेगी तो फिर होगा नहीं होमवर्क। और बुलबुल आप कुछ कहना चाहोगी? क्या करिए स्कूल वालों ने ना इंसाफी की है। इतना बड़ा वर्ड तो बेटा मेरे को ही नहीं आता, ना इंसाफी। उन्होंने उनको पता था बच्चे तंग करेंगे मम्मी को, इसलिए तो बुलबुल की छुट्टियां है 5 तक। और बस छुट्टियों में क्या क्या करेंगे सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। खैर फिलहाल आज का ब्लॉग तो अभी शुरू करते हैं। और अब बुलबुल तो कर रही है होमवर्क और मैं बनाऊंगी अब खाना। और आज बुलबुल को जाना है पार्टी में भी। आज बुलबुल जाएगी बर्थडे पार्टी में, इसकी फ्रेंड का बर्थडे है ना, मेरी फ्रेंड की बहन का। हाँ, फ्रेंड की बहन का बर्थडे है, मतलब वहाँ जाएगी बुलबुल आज बर्थडे पार्टी में। इसलिए सुबह सुबह ही नहा के अच्छे से तैयार हो गई है और अब आराम से बैठ के कर रही है अपना होमवर्क। मैं खाना खाते ही चली जाऊंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे को जल्दी बुलाया, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है ना अजय, उसने अपने फ्रेंड्स को सबको जल्दी बुलाया हो, ताकि पार्टी स्टार्ट होने से पहले हम लोग थोड़ा खेल लें। कल जब राशन का सामान लेने गई थी ना, तो उसमें मैं लेकर आई थी ये कसूरी मेथी का पैकेट। इस ब्रांड की कसूरी मेथी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, ये कैच ब्रांड की, और मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। एक तो इसमें कचरा नहीं आता, बिल्कुल से साफ़ सुथरी इसमें मेथी आती है। और दूसरा इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, मतलब अगर सब्ज़ियों में डालते हैं, परांठे बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। मैं यही इस्तेमाल करती हूँ और करीबन 6 महीने जो है ना आराम से ये पैकेट मेरे चल जाता है। हालाँकि खूब सारी आती है पर मेरे 6 महीने ही चलता है, क्योंकि मैं सब्ज़ियों में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ कसूरी मेथी, और परांठे भी मैं बनाती हूँ, तो इस वजह से थोड़ा कम चलती है। पहले तो मम्मी पापा भेज देते थे मेरे को, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो घर में ही जो है ना क्यारियाँ लगाते हैं और उसमें वो कसूरी मेथी उगाते हैं। पर अब मैंने सोचा फिर जब यहीं पे मिल जा रही है तो फिर उनको क्यों ही तंग करूं, तो मैं फिर अब यहीं से ले लेती हूं। और ये मेरे काफ़ी टाइम तक जो है चल जाती है मेथी। तो जी बस मैंने थोड़ी सी डब्बे में निकाल ली है कसूरी मेथी, और यहाँ पर मैंने लगा लिया है आटा। आज मैं खाना थोड़ा सा जल्दी ही बना रही हूँ, क्योंकि सुबह सबने हल्का फुल्का दलिया ही खाया था, तो मैंने जो है जल्दी ही आज खाना बना रही हूँ। और आज खाने में कुछ भी ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं बना रही हूँ, आज बिल्कुल सिंपल सा खाना बना रही हूँ, मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। एक तरफ मैंने आटा लगा लिया है जल्दी से, और यहाँ पे मैंने टमाटर कट कर लिए। और यहाँ पर सब्ज़ी में मैं डाल रही हूँ कच्ची हल्दी। जैसे कि मैंने बताया था, आजकल मैं सब्ज़ियों में कच्ची हल्दी इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो बस जी सिंपल सी मटर पनीर की सब्ज़ी मैंने छौंक दी, और उसके बाद आ गई हूँ नीचे अपने बाग से सब्ज़ियाँ लेने। हाँ जी, पालक लेने आई थी, और पालक है ना बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि एक तो सर्दी आ गई है ना, तो सर्दियों में थोड़ा सा पालक बढ़ता नहीं है, जैसे जैसे सर्दी आएगी ना तो कम ही बढ़ रहा है, तो उतना तेज़ी से बढ़ा नहीं जितना मुझे लगा था बढ़ जाएगा। पर खैर कोई नहीं, हमारे घर में इस्तेमाल करने वाला जितना तो पालक हो ही गया, और बिल्कुल कच्चा कच्चा पालक है ये वाला। तो आज यही पालक डाल के और मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, मटर टमाटर पालक वाली मिक्स सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी मैं और पतिदेव तो खा लेंगे, पतिदेव भी हालांकि इतने शौक से नहीं खाएंगे, पर उनको तो मैं ज़बरदस्ती खिला दूंगी। पर बुलबुल ये सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खाएगी, उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ मेथी के परांठे। तो यहाँ पे आटा ले लिया है, और उसमें मैंने लगा दिया है अच्छा सा घी, और अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक। और ये परांठे मम्मी बनाती थी जब हम छोटे थे ना, तब हमारे टिफ़िन में यही परांठे जाते थे। तो पहले के टाइम में, मतलब हमारे टाइम में जब हम स्कूल जाते थे ना, तो पोहा पास्ता इडली ये सारी चीज़ें नहीं होती थी टिफ़िन में, मोस्टली अचार परांठा या फिर मेथी का परांठा, यही सब चीज़ें मिलती थी, है ना। तो बस वही मैं बना रही हूँ बुलबुल के लिए। तो यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी डाल दी है,
सूखी वाली, और अब इसको इस तरह से रोल रोल कर लेंगे। और ये पराठा जो है ना दही के साथ बड़ा टेस्टी लगता है, और बस इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और कौन कौन ये पराठा बनाता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और बुलबुल को पसंद आ जाता है। और आजकल के बच्चे भी नखरेबाज है, मतलब इस तरह से अगर मेथी का पराठा बना रही हूँ तो वो खा लेगी, और मतलब सूखी मेथी डाल के। और अगर इसकी जगह मैं गीली मेथी डालती हूँ ना तो नाटक करती है। खैर यहाँ पे मैंने दो बारी परांठे को जो है ना फोल्ड करा है, ताकि जो मसाला मैंने परांठे में डाला है ना वो चारों तरफ हो जाए परांठे में। और आप चाहो तो इसमें डबल मतलब घी लगा सकते हो, मतलब एक बार मैंने परत में घी लगाया था, और जब इसको दोबारा फोल्ड करो ना तो इसमें दोबारा आप घी डाल सकते हो, उससे पराठा और भी ज़्यादा खस्ता और कुरकुरा बनेगा। पर मैंने एक ही लेयर में घी लगाया है, मैंने डबल लेयर में घी नहीं लगाया है। अगर आप डबल लेयर में घी लगा लोगे तो यही पराठा जो है ना लच्छा पराठा बन जाएगा और बहुत ही ज़्यादा खस्ता बन जाएगा। और अब इस पराठे को अच्छा सा देसी घी लगाकर दोनों तरफ से सेक लेना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बच्चों को बड़ा पसंद आता है। टिफ़िन में दे दो, अचार के साथ खा सकते हैं, सॉस के साथ खा लेंगे बच्चे, दही के साथ तो बड़ा ही लाजवाब लगता है। तो बस जी बुलबुल के लिए मैंने बना दिया दही पराठा। सबसे पहले इसने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है, और उसके बाद लगा रही है ये खुद भोग, और यहाँ पर लग गई है मेरी थाली भी। तो जी खाना वाना हो गया है, और यहाँ पे मैं गिफ्ट देख रही थी कुछ देने के लिए, कि घर पे रखा है तो ठीक है, वरना जो है मैं मार्केट से और मंगवा दूंगी। पर पहले मैं घर पे ही देखती हूँ कि अगर घर पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ रखी है जो बुलबुल को यूज़ नहीं आ रही है तो बस वो मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पे एक बढ़िया सा ये सुंदर सा टिफ़िन रखा था, और बढ़िया है। और वैसे भी बुलबुल जिस बर्थडे पार्टी में जा रही है ना, वो बच्ची का बर्थडे है, मतलब लड़के का बर्थडे नहीं है, बॉय का नहीं है, गर्ल का बर्थडे है, तो ये बढ़िया जाएगा गिफ्ट। तो बुलबुल जो है रास्ते में इसको पैक करवा लेगी, और यहाँ बुलबुल हो गई है बिल्कुल तैयार, और बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई है, और होमवर्क भी इसने कर लिया है। इसको मैंने जो है ना कहा ना कि बर्थडे पार्टी में तभी भेजूंगी जब होमवर्क कर लेगी, तो वही है कि थोड़ा सा बच्चे को इसी तरह से बहला फुसला के होमवर्क करवाना पड़ेगा। और बस जी बुलबुल चली गई है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगा दी थी मशीन, कपड़े धो दिए हैं, और सॉक्स मैं जो है ना इकट्ठे करती रहती हूँ, मतलब डेली में मैं सॉक्स हाथ से नहीं धोती हूँ, वॉशिंग मशीन में ही धोती हूँ, पर इकट्ठे कर लेती हूँ। तो मतलब जैसे पहले तो कपड़े धो लिए और फिर लास्ट में जो पानी बचता है ना सर्फ वाला, उसी में मैं सॉक्स धो देती हूँ। और ये देखो मेरे रूम के लिए भी मिल गई है बेडशीट। ये बेडशीट मैंने पहले भी अपने रूम के लिए पसंद करी थी, पर इतने सारे ऑर्डर आए थे कि मेरे हिस्से में नहीं आई ये बेडशीट, मुझे अपनी वाली बेडशीट भी है ना किसी सब्सक्राइबर को देनी पड़ी। खैर आज मिल गई है, तो मैंने बेड पे लगा दी है बेडशीट गरम। और इधर मैं आ गई हूँ अब सर्दियों के लिए हल्का फुल्का सा शाम का नाश्ता बनाने के लिए, ये बन रहा है बुलबुल की फरमाइश पे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ये नमकीन मुरमुरे, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहते हैं सर्दियों में बच्चों के लिए छोटी छोटी भूख के लिए। तो थोड़ा सा मैंने हल्का सा ऑयल ले लिया था उसमें मैंने, और ये मूंगफली के दाने जो है फ्राई कर लिए थे फिर उसी ऑयल में, और मैंने जो है मूंगफली के दाने तो मैंने फ्राई करके निकाल लिए अलग से, फिर उसी ऑयल में मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला, कम से कम 10-15 कड़ी पत्ते डाले, थोड़ी सी हींग डाली, और फिर ये जो मुरमुरे हैं ना इनको बिल्कुल हल्की आंच पे और मैंने भून लिया। और फिर लास्ट में ऊपर से मैंने लगा दिया है इसमें तड़का, तड़के में मैंने लगाया था थोड़ा सा राई डाली थी और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली थी, मतलब बिल्कुल बेसिक से मसाले, और बिल्कुल कम ऑयल में ये जो नमकीन है वो बनके तैयार हो जाती है। और वैसे भी अब सर्दियां हैं, बच्चे सारा दिन घर पे ही रहने वाले हैं, तो बच्चों को छोटी छोटी भूख लगती है, तो उस भूख के लिए ये परफेक्ट है। बाकी आप चाय के साथ इसको ले सकते हो, मतलब अगर भुजिया वगैरह किसी को लेने की आदत हो ना उसकी जगह ये नमकीन ले लो, क्योंकि इसमें एक तो ऑयल कम होता है और खाने में भी हेल्दी रहती है और टेस्टी भी बहुत लगती है। तो बस बुलबुल की पसंद से मैंने ये बनाई है, क्योंकि उसकी शिकायत रहती है कि आप गुड्डू दीदी के लिए ही बनाते हो सारी चीज़ें, मेरे लिए आप कुछ भी नहीं बनाते। तो ये मैंने बना के रख दी है, अब बच्चे जो है सारा दिन चिप्स कुरकुरे की ज़िद नहीं करेंगे, जब भी वो चिप्स कुरकुरे की ज़िद करेगी ना ये मुरमुरे मैं उसको पकड़ा दूंगी, तो बस ये खा लेगी। और बस ये काम करने के बाद मैं आ गई थी बाहर बालकनी में, अंदर काफ़ी ठंडा रहता है, घर बालकनी में थोड़ा सा जो है ना सुबह सुबह धूप आती है तो थोड़ा सा गर्माहट रहती है, तो ये जो काम होते हैं ना मटर वटर छीलने के काम, ये मैं बालकनी में बैठ के ही करती हूँ। दर्द हो रहा है इसमें आज करा बंद कर, स्माइल करके दिखा इसे बुलबुल उदास हो रही है, पर कोई नहीं वापस आ जाएगा। मैं भी जब छोटी थी ना, छोटी नहीं मैं तो जब 10th में थी ना, 10th या 11th में, मेरा भी जड़ गया था। देख तेरे दांत एकदम सही है, एकदम से साफ है ना।
ठीक हो जाएगा। मैं ब्रश कर रही थी और मेरे हो रही थी जुकाम, मैं ब्रश कर रही थी वॉश बेसिन के सामने खड़ी होगी, तो जैसे ही मेरे को छींक आई ना तो मेरा दांत भिड़ गया उस पर वॉश बेसिन पे, और उसकी छोटी सी किनार जो है टूट गई, जैसे बुलबुल की टूट गई है, पर वो रिकवर हो गया धीरे धीरे अपने आप से, ये रिकवर हो जाएगा मेरे हिसाब से तो ना। बुलबुल जहाँ बर्थडे पार्टी में गई थी ना, वहाँ पे बच्चों के साथ खेलते खेलते उसका पैर स्लिप हो गया, वो गिर गई और उससे उसके दांत की किनोर झड़ गई, और वहाँ से कॉल आया कि बुलबुल का दांत टूट गया, तो मैं तो इतनी ज़्यादा घबरा गई, मुझे लगा पूरा ही दांत टूट गया, पर घर आके देखा तो हल्की सी किनोर झड़ी है, और पर वो भी अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर कोई नहीं शायद धीरे धीरे ठीक हो जाए। मेरा भी इस तरीके से झड़ गया था दांत, पर वो ठीक हो गया, रिकवर हो गया था, तो अभी बच्ची है, क्या पता धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी होगी ठीक हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो बहुत ही गंदी स्माइल लगने वाली है, पर अब क्या ही कर सकते हैं, बच्चे हैं खेलते हैं तो गिर भी जाते हैं। तो मैंने जल्दी से बना लिया है खाना, और बुलबुल को बहलाने के लिए देवजी लेकर गए थे शॉपिंग करवाने के लिए क्रिसमस की। तो हेलो फ्रेंड्स, कल है क्रिसमस एंड आपको तो पता ही है कि कल मैं पार्टी रखने वाली हूँ, तो मैं सामान आई हूँ पार्टी का, तो मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब ऐसे मैं खाने पीने की चीजें नहीं लाई हूँ, मैं डेकोरेशन की चीजें लाई हूँ, तो चलो आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ, जैसा लगेगा। तो मैंने ये है मेरा क्रिसमस ट्री, है ये सेंटास, ये मैं सेंटास लाई हूँ, ये क्रिसमस ट्री पे लगाने के है, दो बेल लाई हूँ, उसके बाद लिखा हुआ हैप्पी क्रिसमस वाली, एंड एक है ये ग्लिटर वाली, आप कमेंट करके बताना आपको कौन सी ज्यादा अच्छी लगी है, ग्लिटर वाली या फिर बिना ग्लिटर वाली, मेरे को तो ग्लिटर वाली अच्छी लगी है, और ये तो मेरे को सबसे अच्छा लगा, ये मेरा फेवरेट है, ये दोनों चीजें मेरी फेवरेट है क्योंकि मैंने अभी लगा रखी है, ये कैप क्रिसमस वाली और ये सेंटा वाला चश्मा, क्या चश्मा अभी किस लिए पहनने बेटा, कल है आज थोड़ी है ना, कुछ नहीं पहनना, मैं वापस करवा दूंगी अभी सारी चीजें, हाँ, मैं आपको करने की दे दूंगी है ना, हाँ तो आज पहले खाना खा ले, आजा ठंडा हो रहा है, आजा ठंडा हो गया, अरे लाइट ऑन करो, सॉरी। दांत टूटने की वजह से बुलबुल को क्रिसमस की शॉपिंग करवानी पड़ी उसको बहलाने के लिए, वरना मेरा कोई भी मन नहीं था उसको ये शॉपिंग करवाने का, पर खैर बच्चे हैं बहलाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। और इधर रात के खाने में मैंने बनाए हैं सिंपल से पोहा, और हमारे यहाँ पे पोहा खाते हैं दही और पापड़ के साथ, तो बिल्कुल ऑथेंटिक, मतलब रेसिपी मैंने पोहा की नहीं बनाई थी, इसलिए वजह से मैंने रेसिपी शेयर नहीं की है, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से पोहा बनाती हूँ जैसे मेरे घर में पसंद है सबको। तो बस जी पोहा बना लिए हैं और गाय के लिए रोटियाँ बना दी थी, और मैं रात को डिनर नहीं करती हूँ, पर आज पोहा बने थे तो थोड़ा सा मैंने भी खा लिया, क्योंकि मुझे मटर वाले पोहा बहुत अच्छे लगते हैं। और इसी के साथ करूँगी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, और अगर आपको किसी भी वजह से ये ब्लॉग पसंद आया हो, मेरे चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पे। चलिए जी फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।